हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आइडियाज़। आई एम दानिश जमील। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ मल्टीमीटर के बारे में। प्रैक्टिकल चीज़ों की आज बात करूँगा। दोस्तों, मल्टीमीटर को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, मैं आज बताऊँगा। बहुत सारे फ्रेंड्स को यह दिक्कत आती होगी कि मल्टीमीटर को कैसे यूज़ करते हैं, उसके हर एक पॉइंट का, जैसे आप देख सकते हैं इसके हर एक पॉइंट का फंक्शन क्या है, आज मैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगा। दोस्तों, मल्टीमीटर के बारे में जानने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब आप बेल आइकन को क्लिक करते हैं तो मेरी अगली लेटेस्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगी। तो दोस्तों, मैं अब बात करता हूं मल्टीमीटर के बारे में। मल्टीमीटर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग मल्टीमीटर समझे कि मल्टीमीटर होता क्या है। दोस्तों, मल्टीमीटर एक हमारा ऐसा डिवाइस है, ऐसा मीटर है, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हर एक चीज़ की मेजरमेंट कर सकते हैं। डीसी वोल्ट, एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, एसी करंट या फिर डीसी करंट, फिर से हमारा फिर रेजिस्टेंस, डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी वगैरह, यहाँ पे जितने कंपोनेंट आप देख रहे हैं ना, इन सारे कंपोनेंट की टेस्टिंग इस एक मीटर से कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे रिलेज है, रिले की टेस्टिंग, कैपेसिटर, हमारा वोल्टेज रेगुलेटर, डायोड हो गया, फिर कैपेसिटर ये हो गया, या आईसी हो गया, एलईडी हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, इन सबका चेक, मतलब कि ये सबको हम लोग चेक कर सकते हैं ये सही है कि नहीं, वो सिर्फ इस मल्टीमीटर के थ्रू। इसलिए इसे मल्टीमीटर कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फंक्शन काम करते हैं, मतलब कि हम इससे हर एक चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं, इसलिए इसे मल्टीमीटर कहा जाता है। ये एक बेसिक मल्टीमीटर है दोस्तों, जिसमें कि मैक्सिमम फंक्शन इसमें अवेलेबल हैं। तो चलिए, मैं सबसे पहले सारे पॉइंट की बात कर लूँ। आज मैं आपको इस किट और इस बैटरीज के थ्रू मैं बताऊँगा किस तरीके से मल्टीमीटर का यूज़ करते हैं और किस पॉइंट को कैसे मेज़र करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप ये सेक्शन देख सकते हैं, ये सेक्शन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर लिखा है 200 मिली वोल्ट से 1000 वोल्ट। ये जो सेक्शन है डीसी मेजरमेंट के लिए, जैसे कि आप लोग यहाँ पे सिंबल भी देख सकते हैं, डीसी सिंबल बना हुआ है, डीसी वोल्टेज का सिंबल बना हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग कैसा मेजरमेंट करेंगे, डीसी मेजरमेंट, यानी कि 200 मिली वोल्ट से 1000 वोल्ट तक का मेजरमेंट हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे जस्ट सपोज अगर आपको मेजरमेंट करना है, दो सप्लाई आ गया आपको, दो नेगेटिव और पॉजिटिव वायर आ गया है, अगर आपको पता नहीं कि वो कितने वोल्ट का सप्लाई आ रहा है आपको मेजरमेंट करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंटर को हर एक जगह पर रोटेट करके देखना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 20 वोल्ट पर रखना होगा, अगर आपको लगता है कि 20 वोल्ट तक होगा, सबसे पहले आप 20 वोल्ट पर रखेंगे और इसके पॉजिटिव वाले टर्मिनल को, इसके पॉजिटिव वाले टर्मिनल को, ये हमारा कहलाता है लीड दोस्तों, जो कि हमारा यहाँ से कनेक्टेड है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ से कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव लीड कहलाता है, हमारा नेगेटिव कहलाता है। तो आप क्या करेंगे कि उसके पॉजिटिव वाले टर्मिनल को पॉजिटिव से क्लिक से पॉजिटिव पे टच करेंगे और नेगेटिव वाले को नेगेटिव से टच करेंगे, तो हमारा मेजरमेंट मिलेगा। अगर जस्ट सपोज दैट 20 के ऊपर हमें नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे, हो सकता है कि 20 से अबव होगा उसका वोल्टेज, तो मैं क्या करूँगा, एक पॉइंट आगे बढ़ाऊँगा। तो अब क्या होगा कि 200 पे जैसे आए, तो हो सकता है अगर उसकी वोल्टेज अगर 180 वोल्ट होगी, तो वो क्या करेगा, 200 से नीचे है तो 200 के पॉइंटर पे जैसे ही टच करेंगे, जैसे ही सेट करेंगे, और हम क्या करेंगे, जैसे ही आप उसे पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, तो क्या हमें आउटपुट वोल्टेज बता देगा कि हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या है। तो दोस्तों, अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से प्रैक्टिकली करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट लगा दूँ कि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। ठीक है, ये हम हमने रख दिया ऐसे। जैसे सपोज दैट अब हमें क्या पता है कि जैसे अभी हमारा मल्टीमीटर ऑफ है, ऑफ के कंडीशन पे है, अब हमें क्या है कि इस 9 वोल्ट बैटरी की टेस्टिंग करनी है कि इसकी वोल्टेज क्या है, इसकी क्या वोल्टेज है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, जैसे आप लोग देख भी सकते हैं, यहाँ पे 9 वोल्ट लिखा भी है और ये 9 वोल्ट की बैटरी हम और आप जानते हैं, इसके पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल को जानते हैं। अब जैसे इसके आउटपुट को चेक करना, तो हम क्या करेंगे, इसके डीसी वाले सेक्शन पर जाएंगे, ये डीसी वाला सेक्शन पर। अब हम लोग जानते हैं कि 9 वोल्ट की बैटरी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंटर को 9 वोल्ट के आसपास सेट करना पड़ेगा। अगर हम 1000 पर सेट कर दें तो बहुत ज़्यादा है, 200 पे सेट करें तो ये भी उसके लिए ज़्यादा है, क्योंकि 9 वोल्ट की तो बैटरी है। अगर हम 20 पे सेट करते हैं तो मेरी बात बनती है, क्यों, क्योंकि 20 से छोटा अगर हो जाएगा, यानी अगर 2000 मिली वोल्ट पे चले जाएंगे, तो हमारा बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत ही कम वैल्यू हो जाएगी, और इससे अगर ऊपर चले जाए 200 वोल्ट पे, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे 20 वोल्ट पे सेट कर देंगे। ऐसे पॉइंटर हमारा 20 वोल्ट पे सेट हुआ, इसके पॉजिटिव वाले प्रॉप्स को, यानी कि पॉजिटिव वाले टर्मिनल को हम क्या करेंगे, इस पॉजिटिव, ये टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से और निगेटिव को निगेटिव से कनेक्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्या कुछ वैल्यूज़ बताने लगा, 7.43, ये क्या बता रहा है, वैल्यू बता रहा है 7.43 वोल्ट का है। अगर हम इसे क्या करें, इसकी पोलैरिटी उल्टा करके लगाएं, अगर पॉजिटिव को निगेटिव में, निगेटिव को पॉजिटिव में अगर लगाते हैं, तो देखिए दोस्तों, एक निगेटिव सिंबल आता हुआ, निगेटिव साइन आता हुआ, तो ये शो करता है कि हमने अपने प्रॉप्स को क्या किया है, निगेटिव साइन, सॉरी, अपोजिट लगा के रखा है, पॉजिटिव को निगेटिव से लगाया है और निगेटिव को पॉजिटिव से लगाया है।
दोस्तों अब बात करते हैं अगले सेक्शन के बारे में। इस सेक्शन के बारे में हमारा बात हो गया। अगला सेक्शन हमारा है ये जो सेक्शन है ये एसी मेजरमेंट के लिए होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर जो वोल्टेज है वो सिंबल बता रहा है कि एसी के लिए है, एसी वोल्टेज के लिए हमारा यहाँ पर कितने से कितने तक मेजरमेंट कर सकते हैं, 200 वोल्ट टू 750 वोल्ट, यानी कि 750 वोल्ट तक हम मेजरमेंट कर सकते हैं एसी में। एसी जो हमारा घरों में जो सिग्नल आते हैं दोस्तों, जो हमारे घरों में आते हैं लाइट्स, वो होते हैं एसी होते हैं। उसको क्या करना है कि आपको क्या करना है, उस पर दो टर्मिनल होते हैं। आपको क्या करना है कि अगर घरों की मेजरमेंट करना है तो घरों में आते हैं हमारे 230 वोल्ट। तो हमें क्या करना होगा, अगर हम 200 पे सेट करें तो क्या होगा कि उसके लिए ये 200 बहुत थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये मेजरमेंट नहीं दे पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंटर को 750 पे सेट करेंगे और अपने दोनों प्रॉप्स को, यानी कि किसी को भी किसी में भी अगर हम पुट कर दें, अगर किसी को भी किसी से टच करके अगर हम भी मेजरमेंट करेंगे तो हमारा यहाँ पर मेजरमेंट में कुछ शो करने लगेगा। अगर 230 वोल्ट का होगा तो यहाँ पे 230 वोल्ट शो करने लगेगा कि 230 वोल्ट हमारा एसी सप्लाई आ रहा है। उसमें कोई निगेटिव कोई पॉजिटिव नहीं होता है। आप निगेटिव यानी कि जो हमारा फेज होता है, फेज के ऊपर ब्लैक या फिर न्यूट्रल के ऊपर रेड, या न्यूट्रल को ब्लैक, या फिर किसी को भी किसी से कनेक्ट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई निगेटिव कोई पॉजिटिव का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बात करते हैं इसके आगे वाले सेक्शन की। ये सेक्शन हमारा कहलाता है करंट मेजरमेंट के लिए। इसका हम लोग यूज़ करंट मेजरमेंट के लिए करते हैं। जब दोस्तों अगर ये देख सकते हैं आपको सिंबल ये बना हुआ है यहाँ पर करंट मेजरमेंट का है, लेकिन ये डीसी के लिए, यहाँ पर जो भी दिया है ना डीसी के लिए, ये रेड वाला भी और ये भी सब डीसी के लिए है। 2000 माइक्रो एम्पेयर से 10 एम्पेयर तक है। अब जब आप क्या करेंगे, जैसे ही आप करंट का मेजरमेंट करेंगे ना, तो आपको ये प्रॉप पॉजिटिव वाला प्रॉप निकाल करके फर्स्ट वाले में डालना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बना है 10 एम्पेयर। अगर हम करंट की मेजरमेंट करते हैं तो हमें यहाँ रखना पड़ता है पॉजिटिव वाले प्रॉप्स को, और बाकी सारे फंक्शन के लिए ये प्रॉप्स यहीं हमारा लगा रहता है। ठीक है, जब हमें करंट का मेजरमेंट करना होगा तो यहाँ पे करेंगे। दोस्तों अगर हमें करंट का मेजरमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, इस वाले सेक्शन पे जाएंगे। अगर हमें करंट की वैल्यू नहीं पता है कि हमारे कितनी आउटपुट करंट है, तो मैं इसे वैरी करके देखूंगा, मैं इसे कनेक्ट कर दूंगा और इसे वैरी करके देखूंगा, जो हमारा करंट होगा उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों अभी मेरे पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है जिसे मैं आपको करंट मेजर करके दिखाऊं। तो दोस्तों आपको यही करना है, जैसे हमने यहाँ पर किया वैसे ही करना। अगर वैल्यूज पता है तो आप एक एग्जैक्ट वैल्यू पे पॉइंटर को ले जाइए, अगर नहीं पता है तो आप इसे वैरी करते रह सकते हैं और देख सकते हैं हमारा क्या है। अब बात करते हैं दोस्तों इस पॉइंट के बारे में। ये वाला जो पॉइंट है ना हमारा, ये सबसे मेन पॉइंट है। ये पॉइंट हमारा कहलाता है कंटिन्यूटी पॉइंट। इस पे हम लोग क्या चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं कि हमारा कंटिन्यूटी क्या है, कि हमने जो वायर लिया है उसकी कंटिन्यूटी सही है कि नहीं, या फिर जो हमने सर्किट डिजाइनिंग करते हैं, सर्किट डिजाइनिंग अगर पीछे साइड पे देखें तो ये हमारा सर्किट डिजाइनिंग है, इसके बारे में मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। ये रिमोट कंट्रोल है, किसी भी अप्लाइंसेस को कैसे रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों, मैं इसके बारे में वीडियो आपको बनाऊंगा। अगर आप सर्किट के बैक साइड पे देखेंगे तो ये कनेक्शंस होते हैं, ये कनेक्शन को दिखाता है कि हमारा जो कनेक्शंस हैं ये कंटिन्यूटी पॉइंट पर है कि नहीं, मतलब कंटिन्यूसली है कि नहीं, जिसको जिसे कनेक्ट किया गया वो कंटिन्यूस है कि नहीं, कंटिन्यू है कि नहीं, या फिर डिसकंटिन्यू तो नहीं हो गया आपस में, या फिर इस पर डायोड की भी चेकिंग की जाती है, कैपेसिटर वगैरह की भी इस पर ही चेकिंग की जाती है हमारी। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं कंटिन्यूटी पॉइंट। जैसे मैं आपको चेक करके एक बार मेजरमेंट करके दिखाऊं, जैसे हमने क्या किया, इस पॉइंटर को लिया और यहाँ पे कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट किया। अब जस्ट सपोज दैट हमें चेक करना है, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि हमारी क्या है कि ये वाला पॉइंट किससे कनेक्टेड है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कनेक्ट है। अगर हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, जैसे आप देखेंगे ना, जैसे आप इसे आपस में जब शॉर्ट करेंगे ना, टच करेंगे तो देखिए बीप का साउंड सुनाई दे रहा है दोस्तों। ये होता है कंटिन्यूटी को शो करता है, जब साउंड बजर बजेगा तुम्हारा कंटिन्यूटी को शो करता है। जैसे हम लोग चेक करना है कि जैसे ये पॉइंट इसे कनेक्टेड है तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करना, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट को यहाँ लेंगे, यहाँ टच करेंगे, और दूसरे पॉइंट को यहाँ लेंगे, यहाँ टच करेंगे। देखिएगा कंटिन्यूटी का साउंड आएगा, सॉरी देखिए आ रहा है ना, इसका मतलब ये होगा कि ये आपस में ट्रैक कनेक्टेड है। अब जस्ट सपोज दैट अगर हमें यहाँ से यहाँ चेक करना है, देखिए यहाँ पर देखिए आपस में कहीं पे कनेक्टेड नहीं है, या फिर यहाँ पे कनेक्टेड नहीं, तो मैं क्या करूँगा, अगर इन दोनों के बीच में कंटिन्यूटी चेक करूँगा ना, कोई बीप साउंड नहीं आएगा, नहीं आया ना। क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू नहीं है, यहाँ पर क्या डिसकनेक्टेड, इसका कोई कनेक्शन यहाँ पर नहीं है। जैसे हमें क्या देखना है कि अब हमें देखना है कि यहाँ से ये देखिए ये वायर यहाँ से कनेक्टेड है ना कनेक्टेड, अगर मैं इसकी कंटिन्यूटी देखूँ तो देखिए बताया कंटिन्यूटी। ये होता है कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका, आपका डायोड भी इसी तरीके से चेक होता है। ये हो गया कंटिन्यूटी पॉइंट। अब लास्ट सेक्शन हमारा बचता है ये,
ये हमारा क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस मेजरमेंट एरिया। इस पर हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। आपको मैं इस पर पीसीबी बोर्ड पे ही दिखाऊंगा किस तरीके से रेजिस्टेंस मेजरमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस पॉइंट पे देखिए, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं वेरिएशन दिया है 200 ओम 2000 ओम 20 किलो ओम 200 किलो ओम 2000 किलो ओम, यानी कि 200 ओम से लेकर के 2000 किलो ओम तक हम लोग यहाँ पे मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास रेजिस्टेंस अवेलेबल है और अवेलेबल है लेकिन उसकी वैल्यूज़ पता नहीं, तो हम भी यहीं पर यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसके पॉइंटर के वैल्यू को बार बार वेरी करेंगे। अगर हम पॉइंटर को क्या करें, पॉइंटर इस दोनों पॉइंटर पर रेजिस्टेंस के दोनों पॉइंट को लगा दें और अगर हमें नहीं पता है तो इसे वेरी करके देखेंगे। अगर जस्ट सपोज दैट अगर हमें पता है, जैसे मान लेते हैं अभी हमारे पास इस पीसीबी पे हमारे इतने सारे रेजिस्टेंस लगे हैं, ये हैं रेजिस्टेंस लगे, लेकिन हमें इसका वैल्यूज़ नहीं पता है, तो मैं क्या करूँगा एक बार 200 पे लगाऊंगा, पॉइंटर को 200 पे सेट करूँगा और इसके एक को यहाँ लगाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, हमें कोई रीडिंग नहीं दे रहा है, मतलब कि ये इससे ज़्यादा का होगा। तो मैं क्या करूँगा, एक बार इसे रोटेट करूँगा 2000 ओम पे सेट करूँगा और मैं जैसे इसे यहाँ पे लगाऊंगा, देखिए दोस्तों रीडिंग देने लगा, मतलब कि 956 ओम का ये रेजिस्टेंस है, अप्रॉक्स 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस, इसे 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर हमें पता होता कि ये 1 किलो का ओम रेजिस्टेंस है, तो मैं सीधा क्या करता, 2000 पे सेट करता, यहाँ पर हमें दिखा देता 1 किलो ओम, यानी कि 956 ओम, यानी कि 1000 ओम अप्रॉक्स। अब जब सपोज दैट हमें इसकी चेकिंग करनी है, अगर इसकी नहीं पता है तो मैं भी क्या करूँगा, यहाँ पर भी ऐसे लगाया, जैसे हमें पता होता है कि 312 की ओम की है, मैं क्या करता, डायरेक्ट 2000 पे सेट करता, 2000 ओम पे सेट करता और इसे चेक कर लेता। ठीक है दोस्तों, और अगर फिर अगला रेजिस्टेंस के बारे में देखें, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, तो ये क्या है, ब्लिंक कर गया, अंदर से नहीं बता रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये ज़्यादा ओम का है, यानी कि इससे ज़्यादा का है। मैं क्या करूँगा, इसको अगले पॉइंट पे सेट करूँगा और मैं ये इससे भी ज़्यादा है, 20 किलो ओम से भी ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको अगले पॉइंट पे सेट करूँगा। अब क्या करूँगा, इसे यहाँ चेक करूँगा, दोस्तों यहाँ पर भी नहीं बता रहा है, यहाँ पर भी नहीं बता रहा है, तो मैं इसे 2000 किलो ओम पे सेट करूँगा। जैसे ही मैंने 2000 किलो ओम पे सेट किया, तो देखिए दोस्तों क्या, यहाँ पे 217 किलो ओम का, यानी कि 217 किलो ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर है। यहाँ पे कितना लगा है, 217 किलो ओम पे दिखाया। तो देखिए मैंने दोस्तों कैसे कैसे वेरी करके मैंने हर एक पॉइंट पर रेजिस्टेंस का वैल्यू चेक किया, कैसे कैसे मैंने चेक किया। तो दोस्तों मैंने सारे फंक्शन आपको बताया। दोस्तों ये है मल्टीमीटर का यूज़। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी और ये भी वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।